बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश लौटा है एयरफोर्स का विमान। इस वक्त की सबसे अहम खबर बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव, विमान में 7 सेना कर्मी मौजूद थे, बड़ी खबर बता रहे हैं, तो क्या वाकई अब लौट चुका है विमान बांग्लादेश? देखिए, जो पिछली जानकारी आई थी उसके अनुसार विमान सुबह यहाँ से जब 9 बजे उड़ा था तो वो पश्चिम बंगाल में पानागढ़ एयरबेस है, एयरबेस अर्जन सिंह, वहाँ पर वो गया था और वहाँ के बाद उसकी ऑनवर्ड जर्नी होनी थी। अब जो कि जानकारी आप साझा कर रही हैं उसके अनुसार अगर वो ढाका पहुँच गया है तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप करके वापस पहुँच जाने का उसका मैंडेट था, वो चला गया है। वो विमान जो जब सुबह उड़ा था तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा कौतूहल हो गई थी कि क्या उस विमान में मौजूद हैं शेख हसीना या फिर नहीं है, लेकिन बाद में फिर खबर आई कि वो पानागढ़ एयरबेस की तरफ गया है और फिर जो कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब है, दुर्गापुर में है पश्चिम बंगाल के, और फिर वहाँ से उसने ऑनवर्ड जर्नी की है और जैसा कि आप अब बता रही हैं इस वक्त वो बांग्लादेश पहुँच गया है। जी बिल्कुल संजीव, सबसे बड़ी बात यही है कि अब आगे जिस तरह से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि प्रोफेसर यूनिस अभी आगे कमान संभाल सकते हैं, संजीव सबसे बड़ी बात यह है कि आज एस जयशंकर भी भारत का रुख करेंगे और सबसे बड़ी बात है उससे भारत का भी रुख पता चलेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, मंदिरों पर भी हमले किए जा रहे हैं, हालात बेहद ही तनावपूर्ण है। 27 जिलों में कई घरों पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ और लूट तक की गई है, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। संजीव सबसे बड़ी बात है, और यही देखिए चिंता का सबब भी बना हुआ है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं कई हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, ये एक चिंता का सबब और आगे कैसे इसका रुख देखा जाएगा? देखिए, ये कल से घटना घट रही है और कल की ये घटना थी कि वहां पर जो इस्कॉन टेम्पल है उसके ऊपर हमला किया गया था, ये सूचना कल ही आ गई थी। और जो भी भारत से जुड़े हुए प्रतिष्ठान हैं पहले उनको निशाने पर लिया गया। आपको याद होगा कि ढाका में स्थित है इंडिया कल्चरल सेंटर, सबसे पहले उसमें आग लगा दी गई और बाद में फिर इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ढाका, ख़ासतौर पर ढाका में ही हिंदू आबादी एक बड़ी संख्या में रहती है, माइनॉरिटी हिंदू आबादी, वहाँ पर वहाँ के लोगों के ऊपर हमले किए गए, वो घरों में बंद हैं। पर इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि देश के करीब 27 जिलों में हिंदू माइनॉरिटीज़ रहते हैं बांग्लादेश में और अच्छी खासी जनसंख्या वहाँ पर है, करीब 8-10% के आसपास हिंदू आबादी है, और ऐसे में वहाँ के करीब करीब ज़्यादातर ज़िलों में हिंदुओं की बड़ी संख्या है और वहाँ की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जुडिशरी हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, इन सब क्षेत्रों में वहाँ पर भागीदारी है माइनॉरिटीज़ की। और अभी तक शेख हसीना के दौर में इस तरह की घटनाएं कम हुआ करती थी, हालांकि आशंकाएं हमेशा रहती थी। अभी जनवरी के महीने में जब इलेक्शंस कवर करने के लिए वहाँ जाने का अवसर मिला था तो वहाँ कई हमें मुलाकात हुई थी अल्पसंख्यकों से और उनका ये कहना था कि थोड़ा बचकर रहना तो पड़ता ही है, और ऐसे में जबकि यहाँ पर कुछ ऐसे जिहादी सेंटीमेंट्स भी सक्रिय हो गए हैं जिन्हें सरकार की तरफ से तो बढ़ावा नहीं मिलता है लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन कल जैसे ही शेख हसीना सरकार का सफाया हुआ और वैसे ही वो सेंटिमेंट्स जो कि एंटी इंडिया थे वो हावी हुए हैं, तो पाया ये जा रहा है कि हिंदू धर्मावलंबियों के संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, उनके बिजनेसेस पर हमले हो रहे हैं, और ख़ासतौर पर इन हमलों को अगर कोई पत्र पत्रिका या टीवी स्टेशन दिखा रहा है तो उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब 7 टीवी स्टेशन वहाँ बंद है। जी तो बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, अब वाकई जब तक शेख हसीना का अब तख्ता पलट हो चुका है तो एक कहीं ना कहीं एक चुनौती, और आपको बता दें कई ऐसे जिले हैं जहां पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जाकर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे कई तस्वीरें कल से ही सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, घरों में भी तोड़फोड़ किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है, और जो इस खबर को दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। संजीव सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा चुनौती है,
तो 27 जिलों में कई घरों पर हमला भी हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुओं के घर में हमले किए जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारी का तस्वीरों ये भी दिखाया जा रहा था कि शेख हसीना के घर से कीमती सामान भी लेकर वापस लौट रहे थे। संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें यही है कि अब शेख हसीना आगे कहां जाएंगी। फिलहाल तो भारत में है, आगे किस देश में जाएंगी, कहां शरण लेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ही साफ है कि उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो है यूनाइटेड किंगडम। वो जाना चाहेंगी, लंदन में वो बसना चाहेंगी। और ऐसे में जबकि उनके बेटे ने भी कहा है कि वो आखिरी पारी खेल रही थी बांग्लादेश में, जाहिर है कि वो चाहेंगी कि वो लंदन जाएं, क्योंकि उनकी बहन रेहाना जो इस वक्त उनके साथ हैं, रेहाना शेख, वो पहले से ही यूके की नागरिक है, वो वहाँ की सिटीजन है। तो वहाँ पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए शेख हसीना को, ये पूरे परिवार की कोशिश है। ऐसे में जबकि वहाँ पर रेहाना की बिटिया तो ट्यूलिप सिद्दीकी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ के हैम्पस्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो जो लेबर सरकार है उसमें अच्छा वो रसूख रखती हैं, और वो एक मंत्री पद भी संभाल रही हैं। तो क्या वहाँ पर उन्हें मिल जाएगा पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण, ये देखा जा रहा है। इसके अलावा ये भी है बात कि बहुत आसानी से वहाँ पर अगर असाइलम नहीं मिल पाता है या देरी होती है तो और भी देश हैं जो कि इस वक्त सोचा जा रहा है उनकी टीम के द्वारा, और उसमें यूरोप के कुछ दूसरे देश हैं जिसमें पहला नाम फिनलैंड का है। फिनलैंड भी वो जा सकती हैं, यानी कि हेलसिंकी में वो शरण मांग रही हैं, वहाँ मिल जाता है तो ठीक। अमेरिका से भी उन्होंने शरण मांगा है, लेकिन अभी भी अमेरिकियों की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। और ये सारा प्रयास दिल्ली से हो रहा है, दिल्ली में जो सरकार है भारत की वो उन्हें जैसे मदद कर सकती है इन सब प्रयासों में वो मदद की भी जा रही है। एक और देश है जहाँ पर उन्हें आसानी से शरण मिल जाएगी, वो है बेलारूस। और बेलारूस में इसीलिए क्योंकि बेलारूस में पहले से ही अगर जाना पड़ा, कुछ इस तरह की स्थिति आई, तो ऐसा लगता है कि जैसे शेख हसीना परिवार ने व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है जो कि कहा यह जाता है कि शेख हसीना के ही मदद से तैयार हुआ है, एक बांग्लादेशी का है। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अगर कहीं शरण नहीं मिला तो वो बेलारूस जा सकती हैं, ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि बेलारूस के साथ बांग्लादेश का कोई प्रत्यर्पण संधि भी नहीं है कि आने वाले दिनों में उनको वहाँ से प्रत्यर्पित किया जा सके। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि आने वाले 2-4 दिनों में तय होंगे, और तब तक भारत में ही वो रहेंगी। भारत ने इस बात की अनौपचारिक तौर पर एक तरह से जानकारी दे दी है। जी बिल्कुल संजीव, अभी भारत में ही रहेंगे, आगे क्या रुख होगा इस पर सबकी निगाहें। आप हमारे साथ बने रहिए, पवन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, हिंडन एयरबेस पर आप मौजूद हैं, जरा हमें हलचल बताएं कि अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा वहां पर सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंजलि, कि जैसा पहले भी मैंने दिखाया कि कोई किसी भी तरह को कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरता गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। और हालांकि कुछ स्कूल के जो बसेस हैं उन्हें आने जाने का यहाँ पर परमिशन जरूर यहाँ पर दिया गया, लेकिन लिहाज से देखिए कि जो 3 जो गेटें होती थी जिसमें कि एक गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया, यानी सिर्फ 2 गेटें हैं निकास का और प्रवेश का, इसके अलावा 3रे गेट को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो कहीं से भी कोई चूक रहा हो, क्योंकि खुद अजीत डोभाल जो है पल पल की यहाँ निगरानी कर रहे हैं, उनकी टीम जो है निगरानी कर रही है। और जहां जैसा कि हमारे सहयोगी संजीत त्रिवेदी बता रहे थे कि वहां हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, कई घरों में जो है हमले हुए हैं, लूटपाट की गई है, तो कई ऐसे परिवार हैं जो दिल्ली और एनसीआर में रह रहे हैं। अभी एक परिवार से हम थोड़ी देर बाद उनसे हम बात करेंगे, वो उनके रिश्तेदार जो हैं ढाका में रहते हैं, उनके चिंता का विषय है कि उनका क्या होगा, और कई हिंदू भी यहाँ आना चाहते हैं। तो एक हाई लेवल सिक्योरिटी भी यहाँ पर चल रहा है कि कहीं घुसपैठ की संभावना तो ना हो, क्योंकि हज़ारों की तादाद नहीं है अंजलि, वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। और उसको देखते हुए सबसे जो है अहम यहाँ इसीलिए इस एयरबेस को चुना गया है, क्योंकि यहाँ कई फाइटर प्लेन जो हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर के यहाँ पर 2400 घंटे यहाँ पर तैनाती रहती है, मॉनिटरिंग रहती है, और थल से लेकर आसमान तक। इसके अलावा स्निफर डॉग को यहाँ पर लाया गया, साथ ही साथ ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है। यानी हसीना जब तक यहाँ पर हैं ये बताया जा रहा है, हालांकि इतना सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है कि जब हमने हिंडन एयरफोर्स के PRO को हमने कई बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दिया है, यह करके कि हमें भी उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। यानी अंदर के जो स्टाफ है उनका जो कामकाज है बिल्कुल ही अलग करके रख दिया गया है, और जो सेफ जो हाउस यहाँ पर है उनका बिल्कुल गरुड़ कमांडो, ऐसे कमांडोज होते हैं जो उनके घेरा 3 लेयर के घेरा में वो अंदर हैं। यानी बिल्कुल जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, सुरक्षा का बिल्कुल ऐसा घेरा बना हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं। आप हमारे साथ बने।